छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। मेरी पीरी के मालिक मेरे सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। उनका एक सिख जिसके पास एक बाज है, वो सिख अपने बाज से बहुत प्यार करता है। बाज कहते हैं पक्षी है जो चील की तरह होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आप हाथ में देखते हैं ना तस्वीर में, उसे कहते हैं बाज। और वो बाज को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमेशा उसे अपने साथ रखता है। और वो बाज भी बहुत समझदार है, उसके कंधे पे उसके हाथ पे बैठता है, इशारा समझता है, पूरा ट्रेन करके रखा हुआ है उसे। एक दिन जब वो छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करने जाने लगा तो मन में सोचा क्यों ना आज बाज को भी साथ में ले जाऊं, इसे भी छेवें गुरु नानक के दर्शन करा दूं। वहां गया तो दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई थी, लोग माथा टेक रहे थे, भेटा रख रहे थे। जब इसकी बारी आई, इतिहास में इसका नाम आया है फतुई, इस सिख का नाम आया है फतुई, इस फतुई ने माथा टेका, जो भेटा लाया था आगे रखी, बाज ने भी माथा टेक दिया, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी छेवें गुरु नानक एक नजर फतुई की तरफ देखा, फिर एक नजर बाज की तरफ देखा। और कभी किसी को कुछ ना मांगने वाले गुरु, कभी भी कुछ मांगा नहीं केवल दिया है। आज पहली बार फतुई से कहते हैं फतुई ये बाज हमें दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली बार संगत भी हैरान है कि धनवान हीरे जवाहरात लेकर आगे पीछे घूमते हैं पर गुरु साहब जी परवान नहीं करते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज मांग रहे हैं एक बाज फतुई से, छेवें गुरु नानक कहते हैं फतुई ये बाज हमें दे दे। अब फतुई परेशान हो गया कि बाज मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, कैसे दे दूं गुरु साहब जी को। पर अगर गुरु साहब जी ने कुछ मांगा है मैं ना दूं तो गुरु साहब जी की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुविधा में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि गुरु साहब जी ने कुछ मांगा है पहली बार पर मैं दे नहीं सकता। काफी सोच विचार करने के बाद जब गुरु हरगोविंद साहब जी ने फिर से कहा फतुई क्या बात है, क्या सोच रहा है, तो कहने लगा पातशाह हाथ जोड़ दिए, पातशाह कुछ और मांग लो, कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, पर ये बाज मैं नहीं दे सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई रमज होती है जो हम नहीं समझ सकते। जो हम नहीं समझ सकते एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, कोई इतना ऊंचा होगा तो इतने ऊंचे को समझ सकेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
फतोही ने हाथ जोड़ दिए, पाशाह ये बाज मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी खुशी। फतोही ने माथा टेका और चल पड़ा घर की तरफ, घोड़े पर सवार हो गया, घर की तरफ आ रहा। पर मन पर बोझ है कि गुरु साहब जी ने मुझसे मांगा बाज मैं नहीं दे पाया, मन पे बोझ है। अपने घर की तरफ जा रहा है, और दो पंक्तियां पढ़ ले फिर विचार आगे बढ़ाते। गुरु माने माने सबको, गुरु माने माने सबको, गुरु बचनी मन शीतल हो, गुरु फतोही घर तो आ गया, बाज को रखा एक तरफ, बिठा दिया उसे और खुद बिस्तर पर लेट गया। परेशान है कि गुरु साहब जी ने पहली दफा किसी से कुछ मांगा, मुझसे ही नहीं, पर मैं नहीं दे सका। अब भी मन नहीं मान रहा कि जाके बाज दे आओ। अब बाज के पास पड़ी थी एक डोरी, रेशम की डोरी, धागा पड़ा था बहुत सारा। बाज ने वो धागा खा लिया, बैठे बैठे धागा खा लिया और उसके गले में अटक गया, और बाज तड़पने लगा। फतोही का ध्यान गया कि बाज उल्टा होकर हिल रहा है जोर जोर से, परेशान है, जैसे मरने वाला है, सांस रुकी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घबरा गया, बाज को हाथ में लेकर बार बार हिलाता है, और बाज जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो, क्योंकि डोरी गले में फंस गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फतोही फटाफट तैयार हुआ, घोड़े पर बैठा, बाज को लिया, घोड़ा दौड़ा कर गया गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में। भागा भागा, लाइन तोड़ कर भागा। कहने लगा पाशाह ये आपकी अमानत है, चाहे रखो चाहे मार लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा इसने डोरी खाली है, रेशम की से गले में अटक गई है, मरने ही वाला है, आप बचाना चाहो तो बचा सकते हैं, ये आपका ही है। गुरु हरगोविंद साहब जी छेवी गुरु नानक खुद निरंकार, जिसका हुक्म लख पताल न पताल, लख आकाशा आकाश में चलता है, वो गुरु बात से कहते हैं अपने हाथ में पकड़कर कि अब डोरी जोर निकाल के बाहर निकाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
जिसका हुक्म सारे खंडों ब्रह्मांडों में चलता है, बाज कैसे ना मानता। उसने जोर लगाया, डोरी बाहर निकल गई, बाज ठीक हो गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फतेह हैरान हुआ, संगत भी हैरान है। कहने लगा पाछा ये कौतक समझ में नहीं आया। तो छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी ने भेद खोला यहाँ पर। कहने लगे भाई फतेह, हमें तेरे बाज की जरूरत नहीं थी, ना ही अब है, पर जब तूने आकर माथा टेका, इस बाज ने भी माथा टेका, तो ये बाज अंदर से पुकार पड़ा कि अब मुझे अपने से दूर मत करो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे अपने पास रख लो, मेरे अंतिम सांस आपके चरणों में निकले, मुझे अपने पास रख लो। बाज ने पुकार की, तभी हमने तुझसे ये मांगा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसने घर में जाकर मरने की कोशिश की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं ये साखी, जब मैंने ये साखी पढ़ी सुनी, तब से साध संगत जी मैं थोड़ा परेशान हूं। एक बाज एक पक्षी, वो गुरु के पास आ गया, उसने पुकार की, उसकी पुकार गुरु ने सुन भी ली, और अगर गुरु से दूर हुआ तो मरने की कोशिश की, हमारा क्या हाल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे अंदर तो प्रेम का किनका है ही नहीं, किनका मात्र भी नहीं। एक पक्षी को इतनी सोची है कि गुरु नानक के पास आया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपने पास रख लो। हम रोज आते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पढ़ तो रहे हैं ये बिछोड़ा सहया ना जाए, पर ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कविता पढ़ते हैं कि जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में गुरु नानक ने पुकार सुन ली ना, तो मेरे ख्याल से 90% लोग तो वही से दिन मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बाहर निकलते ही भूल जाते हैं, बाहर निकलते ही हम भूल जाते हैं, और कहते हैं कि जिस दिन तू भूल जाए मेरी जान निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी जिंदगी कहीं यूं ही ना बीत जाए। अब जब हम ये साखी सुनते हैं, गुरु हरगोविंद साहब जी ने बाज मांगा फतेह से, हम मन में सोचते हैं कि गुरु हमसे मांगता हम तो मना नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही सोचते हैं ना अक्सर जब साखी सुनते हैं। तो गुरु तो मांग रहा है हमसे। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में केवल और केवल गुरु नानक ने एक चीज मांगी है, और वो है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल कि जितनी दाते चाहिए ले ले, जो चाहिए ले ले, मैं बैठा हूं, पर अमृत वेला संभाल, अमृत वेला मुझे दे दे, ये मांगा है गुरु नानक ने हमसे बस, कि अमृत वेले की नींद दे दे मुझे। तो दे दो गुरु नानक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ले लो प्रसन्नता, सच में ऐसा हो जाए कि एक दिन भी जब अमृत वेला हमारा छूटे तो ए विछोड़ा सहया ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वचन तो बाबा नंद सिंह जी के, लिख कर रख लो घर में कि तू अमृत वेला संभाल ले, गुरु नानक तुझे संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक टेंशन ले लो
बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि एक टेंशन ले लो बस, रात को कहीं गए हो, लेट हो रहा है, शादियों में, पार्टियों में, कहीं भी गए, होटल में गए, घूमने गए, मन में एक टेंशन ले लो, कहीं मेरा अमृत वाला ना छूट जाए, कहीं मेरा अमृत वाला ना छूट जाए, कहीं मेरा अमृत वाला ना छूट जाए। बाबा जी के वचन ये एक टेंशन ले ले, बाकी सारी टेंशनें गुरु नानक को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब हम कह सकेंगे कि हाँ, अगर फतोही के बदले हम होते तो हम वो बाज दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और धन वो बाज जिसने पुकार के हृदय से और गुरु नानक ने सुन ले, वो सुनता है। पर पुकार हो हृदय से, वो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता था, पक्षी। हृदय से पुकार की उसने, उसकी पुकार सुन ली। हम अमृत वेले बैठे हैं, हमारी कैसे नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस पुकार हो हृदय से।